तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो गाइस, जाट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ शब्देशी ऑटोमोबाइल के शोरूम पे, जो कि KTM का फर्स्ट शोरूम है और ये है GT करनाल रोड, आज़ादपुर मार्केट है उससे 4 किलोमीटर अंदर आके। तो ये देखिए ऊपर है ये KTM का शोरूम। तो अभी हम चलते हैं ऊपर शोरूम पे। आज यहाँ पे KTM RC 200 2022 लॉन्च हो रही है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। चल के हम देखते हैं, उसका वॉकराउंड करेंगे, उसके फीचर जानेंगे कि उसमें क्या खासियत है। तो दीपक भाई ने मुझे इनवाइट किया था जाहिद भाई के थ्रू, तो अब हम चलते हैं ऊपर KTM के शोरूम पे। आज RC 200 KTM की लॉन्च थी और हम यहाँ पे आए हैं। आपने देखा होगा अभी लॉन्च हुई है। तो हमारे साथ है जितिन भाई। तो इनके पास है ड्यूक 390 है और यहाँ पे सभी मतलब कि KTM ओनर्स को भी बुलाया था, तो उनको यहाँ पे लॉन्च इनवाइट किया गया था यहाँ पे लॉन्चिंग के लिए। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो बस मौके की बात होती है ना, एक जात जात दो जात मोज, पूरी मोज ये भी हमारे जाट भाई है। तो गाइस अभी हम हैं स्वदेशी बजाज के नॉर्थ दिल्ली के शोरूम पे और ये है KTM का शोरूम। तो आज RC 200 जो KTM की थी लॉन्चिंग थी हमारे शोरूम पे, तो मुझे इन्वाइट किया गया था मिस्टर दीपक के द्वारा, तो अभी मैं मिलवाऊंगा। तो इस बाइक के बारे में भी बताएंगे हम कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं जो पुरानी में थे और नई में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी बात करेंगे अभी। RC 200 का फ्रंट लुक है पूरा चेंज कर दिया गया है और इसमें टेलीस्कोपिक लाइट लगाई गई है LED के अलावा। इसके इंडिकेटर देखिए, ये 2 इंडिकेटर दिए गए हैं यहाँ पे, जबकि पिछली बार वो ऊपर होते थे। और इस बार डिजिटल कंसोल दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लुक लग रही है। और इसके अलावा यहाँ पे साइड मिरर भी नए दिए गए हैं, वाइड एंगल दिया गया है इसमें, काफ़ी वाइड है ये देखिए, ये देखिए एडजस्टेबल है, ये फोल्ड हो जाते हैं। अप्स एंड डाउन फोक्स दिए गए हैं 44mm के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो गियर है ना, इसमें भी प्ले दिया गया है, ये देखिए आप मूव कर सकते हैं इसको। ये देखिए टैंक कितना बड़ा है, पहले 9.5 लीटर का टैंक था और अब 13.7 लीटर का टैंक है और काफ़ी दूर तक जा सकती है हमारी बाइक। और ये देखिए सीट, देखिए सीट तो बहुत ही शानदार बना दी है, पहले से थोड़ी विड्थ बना दी है, चौड़ी बना दी है। और पिलियन सीट भी देखिए, काफ़ी बढ़िया पिलियन सीट बन गई है। तो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है बाइक में, नया फ्रेम है इस बाइक का। और इसके अलावा अलॉय इसके बिल्कुल नए हैं और ऑरेंज कलर दिया गया है, KTM का ऑरेंज के साथ मैच है, वो बहुत ही अच्छा है। ये कलर देख लीजिए, ऑरेंज और ब्लैक कलर है इसका, ड्यूल कलर है और 2 कलर में है, एक सिल्वर ऑरेंज और एक ब्लैक ऑरेंज, ये 2 कलर में इन्होंने अभी लॉन्च की गई है। तो थोड़ा और कुछ डिटेल में हम जानते हैं दीपक भाई से, जो ये KTM की है, आप बताएंगे अपने बारे में। हेलो गाइस, ये दीपक भाई हैं, यहाँ पे सेल्स मैनेजर हैं। तो इस बाइक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, आप भी थोड़ा कुछ इस पे रोशनी डालिए कि ये क्यों लेनी चाहिए हमें बाइक पुरानी RC के अलावा। बिल्कुल श्योर, वैसे तो थैंक यू सो मच लांबा जी, आपने काफ़ी कुछ कवर कर दिया ऑलरेडी लांबा जी ने, बट मैं उसमें थोड़ा सा और इन्हांस कर देता हूँ। एक्चुअली जो पहली बाइक थी हमारी RC 200, उसके अंदर जो लुक था वो बहुत ही पसंद हुआ लोगों का, बहुत ही उसको प्यार मिला, बहुत ही लोगों ने उसको परचेज़ करके अपनी फैमिली का एक मेंबर बनाया, हमारे साथ भी फैमिली मेंबर बने। इसके साथ कुछ चीज़ें एनहेंस होती आई हैं, जाहिर सी बात है पुरानी वाली कभी बुरी नहीं होती, वो आई थी तो उसी के बाद ही शुरू हुआ था नया कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, कम्फर्ट लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया, आप जब इसके ऊपर राइड करेंगे, आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी 200cc के सेगमेंट के ऊपर राइड कर रहे हैं, आपको लगेगा आप किसी 300+ cc के सेगमेंट पे राइड कर रहे हैं। ब्रॉड लुक दिया है इसका, फ्रंट से लेकर बैक तक इसको ऐसा
फिनिशिंग और फिटमेंट इसकी की गई है। पहले इसका फ्रेम नॉर्मल था, अभी स्प्लिट रेलीज फ्रेम आ गया है जो आपको फ्रिक्शन के टाइम पर जर्क एरियाज में काफी कंफर्ट राइड देता है। सीट जैसे लामा जी ने बताया काफी कंफर्ट सीट होगी है, पिलियन के लिए भी काफी कंफर्ट राइड दिया है। 13.7 का टैंक आया है ब्रॉड जो इससे पहले 400 सीसी के सेगमेंट में आया करता था। लाइट्स चेंज की है, प्रोजेक्टर लाइट के बाद इन्होंने एलईडी लाइट दी है, टेलीस्कोपिक लाइट दिया है। मीटर का लुक चेंज किया है, मीटर को इन्होंने ब्रॉड डिजिटल कंसोल दिया हुआ है। आप इसका साइड मिरर देखेंगे तो ये 390 डिग्री एंगल से आप इसको अपने हाइट अपनी बॉडी के ब्रॉडनेस के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको माइनस में रख के यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहले साइड मिरर के अंदर ही इसमें इंडिकेटर आया करते थे, अब इन्होंने बॉडी में फेरी के साथ में इंडिकेटर दिए हैं जो कि एलईडी टच देते हैं आपको। देखिए सो काफी अच्छी इंप्रूव की है इसकी एनहांस। इसका हैंडल एडजस्टेबल है, आप इसको हैंडल को अपनी हाइट और अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसका मोनोशॉकर जो रेयर है वो अपने एडजस्ट कर सकते हो। हैंडल इसको ऊपर नीचे हो सकता है या आगे पीछे हो सकता है? ये हैंडल इसका नीचे ऊपर हो सकता है, अभी ये अपने पूरे ऊपर टॉप पर है। आप चाहो तो इसको एडजस्टेबल इसको नीचे करवा सकते हैं, और नीचे हम झुक सकते हैं। अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो वो चाहता है तो इसको नीचे करवा सकता है। ओके, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको अपने पोस्चर के हिसाब से आप इसको और कम्फर्ट कर सकते हो। टायर कौन से दिए इसमें? टायर इसमें MRF के दिए हैं, 200 सेगमेंट में KTM MRF के टायर प्रोवाइड करता है। ब्रेक यस, और ब्रेक्स में भी कुछ डिफरेंस है शायद? ब्रेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है बट इसका व्हील बेस थोड़ा सा और लाइट कर दिया है। पहले व्हील बेस इसका थोड़ा हैवी था, इसके अंदर विंग्स ज्यादा थी, अभी इसका व्हील बेस थोड़ा लाइट कर दिया है। लाइट वेट कर दिया है, हमेशा लाइट वेट करने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई है। और जो इसका एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है वो भी आपको जर्क एरिया में कॉर्निश के टाइम पर जब आप टर्न करते हैं वो कॉर्निश के टाइम पर आपको ये हेल्प करता है। एल्यूमिनियम बेस्ड स्विंग आर्म, अगर ये एल्यूमिनियम बेस्ड स्विंग आर्म है तो इसका मतलब है कि ये आपको स्ट्रेंथ में हाई और वेट में लो परफॉर्मेंस देगा। वेरी गुड, तो ऑलमोस्ट आपने देखा नई RC 200 कितनी शानदार बाइक बन गई है। और अगर आपको ये बाइक पसंद है तो आके यहाँ पे खरीदिए और एंजॉय कीजिए राइड को। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा एक कमेंट बाय जरूर करना है, और कोई भी क्वारी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी है जाटन व्हील्स, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो गाइस अंत में राइड हार्ड राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद सायोनारा।